हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स को आज आगे बढ़ाते हैं। आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है लॉगरिदम। क्लास 10 तक मुझे नहीं लगता कि ये लॉगरिदम आपके सिलेबस में इंड्यूस किया गया है, खासकर सीबीएसई के सिलेबस में। तो एकदम मैं बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तक कि आपका फिजिक्स में यूज पड़ सके। मैथ्स में ये टॉपिक इनफैक्ट बेसिक मैथ्स में अलग पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स के टीचर पढ़ाते हैं आईआईटी वालों को, और थोड़ा सा वो लंबा चलता है, उसमें फंक्शन टाइप से इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस बेसिक पढ़ाऊंगा ताकि नीट के बच्चे और आईटी के बच्चे को जो फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है वो कभी भी फेस ना करनी पड़े। और इनफैक्ट कि जब वो मैथ्स में पढ़ेंगे ये चैप्टर मैथ्स वाले बच्चे, तो उनको भी बहुत एक अपर हैंड रहेगा समझने में वो यह टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम को। लॉगरिदम को बेसिकली मैथमेटिकल सिंबल में अगर देखा जाए तो LOG लॉग से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आप लॉग लॉग बोलते भी होंगे। अब बात है कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर है ना, मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर है, एनी, ठीक है, नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। इसीलिए यहां नेचुरल नंबर बोलना ज्यादा सही लग रहा है मुझको, जिसको नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी नेचुरल नंबर को दो वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा वे? तो पहला है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब दोनों ही लगभग क्या है ना कि सेम ही चीज है, ठीक है, बस उसको बोलने का तरीका अलग है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, उल्टा भी तो सही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से दोनों लगभग सेम चीज है, बस उसको कहने का तरीका अलग अलग है। वो कैसे, जरा समझते हैं। पहले हम लोग क्यों ना एक नंबर ले ले जिसपे हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर ले थोड़ा सा। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं कोई अच्छा नेचुरल नंबर ले रहा हूँ 64, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है कोई। जैसे कि मैंने कहा कि इसको दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे दो भाग में बांट सकते हैं। जरा एक तरीका तो ये है कि इसको 64 को ऐसा तो कह सकते हैं 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 8 क्या है, तो 8 को हम लोग बेस कहा जाता है, जिसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। 64 क्या है, ये कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक कोई नंबर है, इसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। और ये 2 को क्या कहा जाता है, 2 को बेसिकली पावर कहा जाता है, या किसी किसी कहीं कहीं आप लोग एक्सपोनेंट भी सुने होंगे, ठीक है, या कहीं कहीं आपने इसका नाम डिग्री के रूप में भी सुना होगा, ठीक है। इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं, चलिए, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी नेचुरल नंबर को है ना इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हर का पावर 2 या 3 या 4 अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, इतना तो श्योर है हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी इन जनरल कह सकते हैं, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू क्या, कैपिटल है, इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, ठीक है, इसी रिप्रेजेंटेशन को जो मैं कह रहा था एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये a का पावर x इज इक्वल टू n ही एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर a क्या है, बेस है, x पावर है या डिग्री है, और n कोई भी नंबर है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे 2 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग लॉगरिथमिक तरीके से कैसे समझेंगे, है ना। अब हम लोग को यहाँ पे ये पढ़ना है और यही चीज आप लोगों के लिए नया होगा। हाँ, तो चलिए वापस आते हैं। तो कोई भी n जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसको दो भाग में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत अच्छा, इसका हम लोगों ने पढ़ा भी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, a का पावर x इज इक्वल टू n के फॉर्म में, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग कहा जाता है, बेस में ए लिखा जाता है, यहाँ पे एन और यहाँ पे एक्स। पढ़ने का क्या तरीका है, ए का कौन सा पावर,
एन देगा, तो कौन सा देगा, एक्स देगा, है ना। यहाँ पे का पावर एक्स एन है, तो ए का कौन सा पावर एन देगा, एक्स ही देगा, ठीक है। तो दोनों को कहने का अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉग पे कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं वेयर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखना है आप लोगों को। वेयर पहला कंडीशन क्या है, एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और दूसरा कंडीशन क्या है, ए शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ठीक है। अब ए वन क्यों नहीं होना चाहिए, ये सबका लॉजिक थोड़ा सा आगे मैं जैसे जैसे बढ़ता रहूंगा इस टॉपिक में आपको समझाते जाऊंगा क्वेश्चन के तरह से, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा, सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो n ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और a ग्रेटर देन जीरो और a नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। चलिए कुछ चीज तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि n शुड बी ग्रेटर देन जीरो क्यों, है ना। तो जैसे मैथ्स में ये एक मैथ्स का एक दस्तूर है कि जब भी है ना किसी चीज का ज्यादा वैल्यू आने लगते हैं, है ना, या किसी चीज का इरेशनल टाइप का, इरेशनल नहीं कहना चाहिए, नॉन रियल नंबर जिसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा वहां पे सचेत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो कोशिश रहती है कि नॉन इमेजिनरी नंबर यानी रियल नंबर ही आंसर में आए, है ना, इमेजिनरी नंबर ना आए, ठीक है। इसलिए इस चीज को, इस फंक्शन को यहाँ पे इसी तरह से डिफाइन किया गया है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, शब्दों से नहीं समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल ही में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही तरह का चीज है। जैसे माइनस टू का पावर टू, फोर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, फोर एन है, पॉजिटिव भी है, ठीक है, पावर भी टू है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माइनस टू का पावर थ्री, माइनस एट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस एट भी एक तरह का रियल नंबर है, ठीक है, थ्री भी है ना, क्या कहता है, क्या है, रियल नंबर है, माइनस टू भी रियल नंबर है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप कह सकते थे कि ये तो सर एन है, एन तो निगेटिव हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है ना, फिर क्यों है सर? मतलब आप कह सकते थे कि यहाँ पे माइनस एट लिखिए, यहाँ पे है ना, क्या कहते हैं, माइनस टू लिखिए, और पूछिए मुझसे कि माइनस एट माइनस टू की कौन सी पावर है, तो थ्री है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, माइनस टू का पावर माइनस थ्री, ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा आप तो, या टू का पावर माइनस थ्री करते हैं अभी, टू का पावर माइनस थ्री वन बाई एट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये देखिए आपका एन नेचुरल नंबर, ये जो आप बार बार नेचुरल नंबर बोलना चाह रहे थे, ये रियल आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये माइनस थ्री भी तो पावर रियल ही है, टू भी तो रियल ही पावर है, इसको आप चाहते तो ऐसे लिख सकते थे कि वन बाय एट टू की कौन सी पावर होगी, वन बाय एट टू की कौन सी पावर होगी, तो आंसर हो जाएगा माइनस थ्री, कोई दिक्कत नहीं, तो सही में कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए था। तो फिर इसी के साथ आपने क्यों ऐसा कहा, है ना, कि माइनस एट आ गया तो दिक्कत क्या हो गई। एक मैं एग्जांपल अब देता हूं जो कि आपका ये कंफ्यूजन दूर कर लेगा। एक एग्जांपल, अगर माइनस टू का पावर वन बाय टू होगा तो फिर क्या होगा, है ना, माइनस टू का पावर वन बाय टू होगा तो फिर क्या दिक्कत, क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस टू है। अब ये अंडर रूट माइनस टू क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब बेस माइनस टू है तो कभी तो एक अच्छा रियल नंबर दे रहा है, लेकिन कभी इमेजिनरी नंबर देने लग रहा है, ठीक है। तो अब जो कंडीशन यहाँ पे लिखते तो बहुत सारे किंतु परंतु हो यहाँ पे हो जाते कि कब रियल होगा कब इमेजिनरी होगा। तो इन सब चीजों से चक्कर से बचने के लिए, है ना, क्या किया गया कि बेस को कभी निगेटिव अपन लेंगे ही एकदम डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। जैसे माइनस टू का पावर वन बाय थ्री भी लिखता है तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ माइनस थ्री माइनस टू, ये भी एक तरह से क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए है ना, क्या कहता है, बेस को सबसे पहले क्या कहा गया कि ये हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब बच गया ए नॉट इक्वल टू वन क्यों नहीं हो सकता, ये मैं आगे ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस इस पे कर लेता हूं, आपका अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगा यहाँ। कितना होगा, जल्दी जल्दी बताते जाइए, थ्री आंसर होगा कि टू का पावर कितना, एट देगा। वन ट्वेंटी फाइव, फाइव का कितना पावर वन बाय ट्वेंटी, वन ट्वेंटी फाइव देगा, थ्री ही देगा। ये कितना देगा,
सोच के बता सकते हैं? रूट टू का कौन सा पावर फोर देगा? ये इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग लेते आए होंगे आंसर, शायद फोर आंसर होगा, है ना। रूट टू का पावर फोर अगर आप कीजिए तो टू टू या फोर फोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसमें दिक्कत हो रही है, तो मैथ्स में होता है ना कि जब किसी चीज का वैल्यू नहीं मालूम होता है तो अपन क्या मानते हैं, एक्स, लेट दिस बी एक्स, ठीक है, और एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये आपके लिए नया है तो मे बी आपको सोचने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये जो हमने अभी अभी पढ़ा एक्सपोनेंशियल, ये तो आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना दोनों का जब मतलब सेंस सेम ही है तो क्यों ना लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में को लॉग में चेंज कर सकते हैं तो लॉग को भी एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं, है ना। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे बेस होता है, यहाँ इसका नंबर होता है जो कि आरएचएस में आता है, और ये जो यहाँ पे होता है वो इसके पावर में आता है, ठीक है। तो ए का पावर एक्स इज इक्वल टू एन, तो बताइए यहाँ पर ए क्या है, ए ये है, ये एन है और ये एक्स, एक्स ही लिख दिया इसको, ठीक है। तो ए का पावर एक्स इज इक्वल टू एन, इस फॉर्म में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, रूट टू का पावर एक्स इज इक्वल टू क्या, फोर, कोई दिक्कत। अब रूट टू, टू का पावर वन बाय टू है तो इसको लिख दो मैं टू का पावर एक्स बाय टू, और फोर का क्या हो जाएगा, टू का पावर टू। हम लोग जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, सो एक्स बाय टू इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे टू है, ये शायद मे बी एट प्लस में आपने पढ़ा होगा, सेवन या एट में, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल। ऐसे भी कर सकते थे, रूट टू का पावर फोर कितना आएगा चेक करके देख लीजिए, यही होता है ना, रूट टू का कौन सा पावर फोर देगा, तो आंसर एक्स क्या आ रहा है, फोर आ रहा है ना, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं रूट टू का पावर फोर फोर देता है कि नहीं। तो देखिए रूट टू का पावर फोर है ना, तो टू का पावर वन बाय टू इंटू फोर, ये टू टू से कट गया तो टू का पावर टू आया जो कि फोर ही होता है, तो कोई दिक्कत। तो जब भी अगर ये सब बताने में दिक्कत हो आराम से उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कीजिए, और फिर उसके बाद तो वो क्वेश्चन आपका ही है। कुछ क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आपसे, फटाक से आंसर देना है, मतलब अपना टाइम लेके, क्योंकि वीडियो है बेसिकली, इसको आप पॉज करके जितना टाइम ले सकते हैं लेके बताइए। हाँ, बेस और ये नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन बाय नाइन वन बाय थ्री का कितना पावर देगा, ठीक है, या दूसरे शब्दों में वन बाय थ्री का कौन सा पावर वन बाय नाइन देगा। बहुत लोग आंसर दे दिए होंगे टू देगा, है ना, स्क्वायर करके देख लीजिए वन बाय नाइन ही आएगा। वन बाय नाइन्टी वन का कौन सा पावर वन बाय नाइन्टी वन देगा, ऑब्वियसली वन ही देगा, आंसर इसका वन है। देखिए एकदम इजी लग रहा है आप लोग, लॉग वन बाय फाइव का कौन सा पावर फाइव देगा, मतलब वन बाय फाइव का क्या पावर लिखे कि फाइव आ जाएगा, तो फील तो आ रहा होगा कि माइनस वन है ना, जिनको माइनस वन नहीं आ रहा क्या करना है, बीबी वही करना है, लेट बी एक्स, ठीक है, जिसको आप है ना क्या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वन बाय फाइव का पावर एक्स इज इक्वल टू फाइव, है ना, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू एन, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं फाइव का पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे फाइव का पावर वन, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, बस आंसर आ गया, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि कुछ आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, उसी ऑब्जर्वेशन पे मैं कुछ रिजल्ट बताऊंगा आपको, जैसे कि एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा, जैसे इस पे एक और क्वेश्चन कर लू, लॉग 36 कितना होगा, ऑब्वियसली वन होगा, 36 का कौन सा पावर 36 होगा, वन, तो एक रिजल्ट तो आपके सामने दिख रहा है कि ये और ये अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे वन ही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, निगेटिव नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, वो सब तो आपकी कंडीशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, फाइव का कौन सा पावर माइनस फाइव देगा, कुछ भी नहीं सोचना है बाबू, मैंने बताया था कि लॉग के आसपास जो होना चाहिए कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो जब चूंकि ये निगेटिव है तो ये लॉग को ही है ना अनडिफाइंड करे, मतलब कि लॉग को क्या करे, लॉग के चीजों को ही है ना नकार रहा है,
तो इसका कुछ आंसर नहीं होगा, बेसिकली ये नॉट डिफाइंड है, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया गया मैथमेटिशियंस के द्वारा, लॉग जब लॉग जिन लोगों ने दिया उसने इसको डिफाइन नहीं किया। नहीं याद है ना मैं बताया था यहाँ पे ए भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और एन भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कैसे याद रखना है, लॉग के बगल वाला हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, और एक कंडीशन तो और था ए वन के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, अभी आएगा एग्जाम्पल। लॉग वन यहाँ रूट फाइव कितना होगा, रूट फाइव का कौन सा पावर वन होगा, ऑब्वियसली रूट फाइव का कौन सा पावर वन होगा, जीरो। किसी का भी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लॉग वन है लेकिन बेस में टू है, अब क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे भी जीरो होगा है ना, टू का पावर जीरो ही वन होता है, तो यहाँ पे फिर आपको एक रिजल्ट मिल गया होगा कि जब भी वन रहे बेस में कुछ भी रहे ना, कुछ भी रहे लेकिन लॉग के सामने अगर वन रहे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा है ना। तो एक रिजल्ट आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे भी एक रिजल्ट मैं बताने वाला हूँ, इसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये रूट टू माइनस वन है और बेस में क्या है, रूट टू प्लस वन है, ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से, ये रूट टू माइनस वन है और बेस में क्या है, रूट टू प्लस वन, इसका क्या होगा, मतलब रूट टू प्लस वन का कितना पावर रूट टू माइनस वन होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों आपस में इनवर्स है, ठीक है, जैसे कि यहां पे मैं करवाया था ना, वन बाय फाइव का इनवर्स फाइव होता है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस वन आ गया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों भी आपस में इनवर्स है, तो इसका आंसर माइनस वन होगा। कैसे इनवर्स है देख लीजिए, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, कभी कभी थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग भी लगाना होगा। रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन है ना, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो टू माइनस वन इसका मतलब वन, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं रूट टू माइनस वन को लिख सकते हैं ऐसे करके, वन बाय रूट टू प्लस वन, ठीक है। और जब भी ये वन बाय करके आता है तो उसका आंसर क्या होता है, माइनस वन होता है। इसे देखते हैं, रूट टू माइनस वन बेसिकली रूट टू प्लस वन का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट टू माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, रूट टू प्लस वन का पावर माइनस वन तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो रूट टू माइनस वन बेसिकली क्या है, रूट टू प्लस वन का पावर माइनस वन है, तो रूट टू प्लस वन का कितना पावर ये रूट टू माइनस वन देगा, तो माइनस वन देगा, सिंपल। तो समझ में आ रहा होगा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोचना ही नहीं है ना, क्या है, लॉग के साथ निगेटिव आ गया, निगेटिव हो नहीं सकता, नॉट डिफाइंड, इसको बताइए। हंड्रेड बेस का पावर टेन, टेन का कौन सा पावर हंड्रेड देगा, तो आंसर क्या है, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग जीरो बेस टेन, हाँ दिमाग टेन के गा, लॉग जीरो बेस टेन, टेन का कौन सा पावर जीरो देगा। तो आपने पढ़ा है कि सर आपने बताया था कि यहाँ पे और यहाँ पे जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, जीरो पे इक्वल टू का साइन नहीं था आपका, इसका मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो आप बिल्कुल सही हैं, ये नॉट डिफाइंड ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेशल केस आएगा, इसको आप समझिएगा जरा, ठीक है, इस पर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है मैं बता देता हूँ साइड में, लॉग जीरो, ठीक है, बेस में कुछ भी हो, ठीक है, अभी टेन ही ले लेते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी आता है, ठीक है। अब ये कौन सी बात हो गई, ये कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इन्फिनिटी है ना, बहुत एक अजीब सा टर्म है, मैथ वाले लोग इसको अनडिफाइंड कहते हैं, ये नॉट डिफाइंड चीज है, इन्फिनिटी कहाँ, इन्फिनिटी का कोई डिफिनेशन नहीं है। कोई आदमी बोलेगा इन्फिनिटी में ले लिए ये नंबर है, तो आपका है ना दोस्त उसमें एक और जोड़ देगा,
तो वो दूसरा नंबर हो गया, वो और इन्फिनिटी हो गया। फिर है ना कोई और दूसरा आदमी 10-15 और जोड़ देगा तो वो एक नया इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैथ में फिर भी हम लोग इन्फिनिटी को एक नंबर की तरह से ही यूज करते हैं ना, रेगुलरली यूज करते हैं, खासकर 11-12 में तो बहुत यूज किया जाता है मैथ में, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि लॉग को क्या किया जाए, जहां पे कोई दिक्कत हो लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया जाए, तो क्यों ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। a का पावर x इज इक्वल टू n, यानी 10 का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आना चाहिए, यही बात है ना। चलिए देखते हैं। देखिए माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ, रिवर्स इनवर्स हो गया, तो 1/10 का पावर इन्फिनिटी इसको लिख सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए, 10 का पावर इन्फिनिटी, 10 का पावर 2 कितना होता है, 100 होता है, 3 कितना होता है, 1000, 10 का पावर 5 कितना होता है, बहुत जीरो, 10 का पावर 100 कितना होगा, समझ लीजिए कितना जीरो, 100 जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप खुद समझिए, जब इन्फिनाइट नंबर है ना, तो 10 का पावर उसको रखिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो उसको कह सकते हैं 1/∞, ठीक है। अब 1/∞ क्या होगा, 1/∞ क्या होगा, मतलब एक को बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड कीजिए। जब एक को आप 100 से डिवाइड करते हैं तो याद कीजिए कितना आता है, 0.01 आता है। एक को 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो 0.0001 आता है। फिर समझिए एक को है ना क्या कहता है, 10 वे 1 के साथ 6 जीरो लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी 0.50 फिर 1 होता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है वो 0 के एकदम नजदीक आते जाता है, तो 0 को टेंड करने लगता है, तो 1/∞ लगभग क्या माना जाता है, 0 ही माना जाता है, ठीक है। इक्वल टू साइन नहीं देना चाहिए, टेंडिंग टू लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी आप लोग उस पर नहीं जाइए। तो देख रहे हैं एक चीज, 10 का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये a का पावर x इज इक्वल टू n फॉलो कर रहा है, तो ये एक स्पेशल केस यहाँ पे बनता है। इसे आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, रिमेम्बर इट। कोई दिक्कत, और कुछ देख लेते हैं थोड़ा, यहीं पे इन्फिनिटी पे थोड़ा सा और चर्चा कर ही लिया जाए। यहाँ पे 10 का पावर इन्फिनिटी कितना होगा, जैसे 10 का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, इस चीज को याद रखिए, 10 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। 0.1 का इन्फिनिटी क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करें, इस पर हम लोग थोड़ा सा एक कंक्लूजन भी निकालेंगे। 0.1 का पावर इन्फिनिटी क्या कहिएगा, इन्फिनिटी की 0, सोचिएगा जरा 0.1 का इन्फिनिटी। कुछ नहीं समझ में आए तो इन्फिनिटी पे डायरेक्ट मत पहुंचिए, बढ़ते बढ़ते पहुंचिए, कभी 2 रखिए, कभी 3 रखिए, कभी 4 रखिए, है ना। तो मैं बताता हूँ कि इसका वैल्यू 0 ही आता है ना, लगे है ना चंबा कि माइनस इन्फिनिटी नहीं है सर, फिर कैसे 0 आ गया। देखिए इसको समझिए, है ना, यहाँ बेस 10 है, यहाँ पे बेस 0.1 है, यानी 1 से छोटा है बेस, ठीक है। तो जब भी 1 से छोटी कोई नंबर होती है उसका पावर आप बढ़ाते हैं ना, तो वो नंबर और छोटी होती जाती है। आपने कभी गौर किया होगा ये चीज, जैसे 1/2 0.5 1/2 का पावर 2 क्या होता है, 1/4 होता है, छोटा हो गया ना। 1/2 का पावर 3 क्या होता है, 1/8 और छोटा हो गया। 1/2 का पावर 4 क्या होता है, 1/16 और छोटा हो गया टर्न, ठीक है। तो जब भी 1 से छोटा बेस होता है उसका पावर जब बड़ा करते हैं तो वो चीज और छोटी होती जाती है। अगर ये भी अभी भी नहीं समझ में आया तो और मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ इसको। 0.1 को अपन लिख सकते हैं क्या, 1/10 का पावर इन्फिनिटी, है ना, इसको लिख सकते हैं 1/10 का पावर इन्फिनिटी, ठीक है। 10 का पावर इन्फिनिटी फिर आ गया, यही ऊपर वाला चीज आ गया, 10 का पावर इन्फिनिटी, यानी 1/10 का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/∞, यानी 0। देख रहे हैं 0.1 का पावर इन्फिनिटी भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग का दिमाग चला थोड़ा सा, अब हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला, ठीक है। ये लॉग का थोड़ा सा, लॉग से मैं थोड़ा सा अभी साइड हटाऊं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड करके बता रहा हूँ। ए का पावर अगर इन्फिनिटी है, ए यहाँ पे बेस है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 3 चीज हो सकता है ना, अलग अलग कंडीशन में 3 चीज हो सकता है। कब कब, और 3 केस में लिख देता हूँ, ए ग्रेटर देन 1, फिर दूसरा ए इक्वल टू 1, और तीसरा ए जब लेस देन 1 होगा, ठीक है। 3 जगह 3 अलग अलग वैल्यू देगा। अभी आपने देखा एक अगर 1 से बड़ा है, ए मतलब क्या है, बेस, बेस अगर बड़ा है 1 से तो उसका पावर इन्फिनिटी क्या देता है बाबू, इन्फिनिटी ही देता है। ए जब 1 के बराबर है तो 1 का पावर इन्फिनिटी क्या देता है, 1 का कुछ भी पावर आप करते जाइए तो क्या आता है, 1 ही आता है, इसमें 1 ही सोचना नहीं है, ठीक है।
एकदम समझने के लिए मैं भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूँ, एकदम लॉजिकल चीजों से समझा रहा हूँ आप लोगों को। मैथ्स में तो एकदम इसका अच्छे से रूलिंग होता है अच्छे से, क्योंकि मैं भी मैथ्स पढ़ा हूँ इसलिए मुझको मालूम है 11 12 में क्या पढ़ना है। ए लेस देन वन, ठीक है, जब वन से छोटा है उसका पावर इन्फिनिटी, ठीक है, क्या होगा? अभी हमने देखा जैसे 0.1 एक एग्जांपल लिया, 1/2 करके भी मैं आपको समझाया था, जो कि 1 से छोटा है उसका पावर जब इन्फिनिटी कीजिएगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए का पावर इन्फिनिटी, अगर ए चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होने लगते हैं, है ना मजेदार चीज यहाँ पर। तो इसे आप आज याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन दूंगा इस पे, मन तो कर रहा है अभी मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, आप सोच के इसको आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको सोच के बताइएगा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। लॉग 0 है और बेस में 1/2 है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, लॉग 0 बेस में 1/2 है, इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा था लॉग 0 बेस में 10 था तो माइनस इन्फिनिटी हो गया था, इसका आंसर क्या होगा जरा ये सोच के बताइएगा मुझको, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही, कल फिर ये लॉगरिथमिक लेक्चर्स फिर आगे हम लोग बढ़ाएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।